गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 7 टिप्स ऑफ स्टडी फॉर स्टूडेंट कि बच्चों के लिए 7 ऐसे टिप्स जो बच्चे अगर उसको फॉलो करें तो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और मोटिवेशन उनको मिल सकता है। जैसे कि देयर इज़ नो सीक्रेट टू बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट, कोई भी सीक्रेट नहीं होता है अच्छे स्टूडेंट के लिए। जो गुड स्टडी हैबिट आर एसेंशियल फॉर सक्सेस, अच्छी पढ़ाई की आदतें ही उसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी होती हैं, कोई भी पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं होता है। इसमें 7 पॉइंट में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है टेक गुड नोट्स। जो बच्चा स्टडी कर रहा है वो अपनी बुक से स्टडी करे और साथ ही साथ अपने नोट्स को क्रिएट करता रहे, अच्छे नोट्स बनाए और उनको ही स्टडी करे तो वो कामयाबी हासिल कर सकता है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है इसमें स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अगर वो व्यवस्थित रहेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क करेगा कि मुझे अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना ले, किस टाइम टेबल में हमें क्या करना है, कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर हमें रेस्ट करना है, तो ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सक्सेस के लिए। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है स्टडी विद अदर। दूसरों के साथ में अध्ययन करने से बच्चों में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होती है, कुछ जो उसकी टर्म्स होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा खुद सिंगल स्टडी करता है तो उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन हो गई या कोई क्वेश्चन हो गए वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगर उनको सॉल्व करना है तो अपने कलीग की हेल्प ले सकता है, किसी से मैथ अच्छी आती है, किसी से साइंस अच्छी आती है। ऐसे ही फार्मेसी में अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा जो किसी को कोलॉजी अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन करके स्टडी की जाएगी और कलीग के साथ में स्टडी करता है, एक दूसरे को समझाता है, तो उसको याद भी ज़्यादा रहेगा और अच्छे नंबर गेन कर सकता है। ये भी एक कामयाबी का तरीका हो सकता है, या नोट्स के आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रक्शन, ध्यान भटकाने से बचना है। ध्यान भटकाने का मतलब ये कि आप लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं या बीच बीच में कॉल पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, टीवी से बचना है। जब आप स्टडी करते हैं तो आप स्टडी में फुल्ली फोकस रखेंगे, तभी आप उसमें अच्छे से पढ़ पाएंगे और अपना 100% देंगे, तभी आप कामयाब होंगे। फिर आता है हमारा 5वां पॉइंट, यूज़ रिसोर्सेस। आपके पास जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, उसका यूज़ करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब हमारे पास सर पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे स्टडी नहीं कर सकते, हम ये बुक्स नहीं खरीद सकते। जो भी आपके पास संसाधन है आप उसका यूटिलाइज़ करिए। आपके पास बुक है और आपके पास कॉपी है, ये सफिशेंट है फॉर आप स्टडी के लिए, जो आपकी कामयाबी के लिए एक अच्छा रास्ता प्रदान कर सकता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर हमारे पास 10 ईयर के पेपर नहीं है या पैसों की कमी है या बुक्स की कमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऊपर पॉइंट बताए हैं, नोट्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टडीज साथ में कर सकते हैं दोस्तों के, उनसे नोट्स इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये भी संसाधन जो भी अवेलेबल हैं उसके पास, वो उसको फुली यूज़ करना चाहिए। फिर 6ठा पॉइंट आता है हमारा डोंट क्रैम। डोंट क्रैम का मतलब होता है कि रटना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप रटेंगे तो आज आपको याद रह सकता है, आपको 3 दिन तक याद रह सकता है, 1 हफ्ते तक याद रह सकता है। जब आप दूसरा टॉपिक रटने के लिए जाएंगे तो वहीं पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो आपने पुराना टॉपिक पढ़ा है उसको आप भूल जाएंगे। तो ये जो चीज़ है कि आपको रटना नहीं है, आप अगर रटेंगे तो आपके साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है 7वां पॉइंट, अबाउट स्टडिंग टू मच। ज़्यादा पढ़ाई से बचना है। ज़्यादा पढ़ाई से बचने का मतलब क्या कि कम टाइम बचा है और बच्चे को यूनिट, जैसे फार्मेसी के अंदर यूनिट्स वाइज होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, तो सारे चैप्टर ना पढ़कर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हों या 10 ईयर में या 5 ईयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है। उन क्वेश्चनों को ऐसे फोकस करना है कि क्वेश्चन आ गया तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और उसका आंसर पूरा आप दे सकते हैं, चाहे आप इंटर में समझ सकते हैं या आप 10th में भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को। किसी भी कोर्सेज को आप कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई से बचना है कि लिमिटेड आपको पढ़ें और वो ऐसा पढ़ें कि आपको बिल्कुल डिक्टो याद हो जाए, वो आपको चीज़ समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ बात करी 7 स्टडी पॉइंट्स की जो बच्चों के लिए गुड नंबर क्रिएट कर सकते हैं, 100% रिजल्ट लाने में मदद कर सकते हैं, जिसकी मदद से सबसे पहला था टेक गुड नोट्स, अच्छे नोट्स लें। दूसरा कि स्टे ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित तरीके से रहें। साथ में तीसरा पॉइंट था स्टडी विद अदर्स,
अपने कलीग के साथ में इंटरकनेक्शन करके या अपने नोट्स को आपस में अदला बदली कर सकते हैं और उनके साथ में बैठ के हम ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी बोल सकते हैं इसे। चौथा पॉइंट था अवॉइड डिस्ट्रक्शन, ध्यान भटकने से बचना है, अपना ध्यान नहीं भटकाना है। आपने सोच लिया कि मुझे फ्यूचर में यह बनना है तो सीधा उस रास्ते पर चलना है, बार बार अपने रास्तों को चेंज नहीं करना है कि साहब आज मुझे फार्मेसी कर ली, कल मैंने इंजीनियरिंग कर ली, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। इसके बाद आता है यूज़ रिसोर्सेज, आप संसाधनों का कैसे यूज़ करना चाहिए, तो उसको भी आप सीख सकते हैं। जैसे अभी AI टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी आप सीख सकते हैं और उसको AI के ज़रिए भी आप अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं स्टडी में। फिर सात छठा पॉइंट था डोंट क्रैम, रटना नहीं है। और लास्ट हमारा पॉइंट था सातवां कि अवॉइड एक्स्ट्रा स्टडी, कि ज़्यादा पढ़ाई से बचना है, जितना हमने पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवीजन करें, उसी को अच्छे से पढ़ाई करें। इसी तरीके की मोटिवेशनल, अगर जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।